उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी। दिल्ली और लखनऊ वालों की गारंटी है कि घर घर बेरोजगार बैठेंगे। दिल्ली लखनऊ वालों की गारंटी है कि सरकारी संस्थाएं बंद होंगी, सरकारी नौकरियां खत्म होंगी, लोगों को प्राइवेट नौकरियां के लिए भटकना पड़ेगा, आउटसोर्स में जाकर के अपमानित होना पड़ेगा। ये इनकी सबसे बड़ी गारंटी है, बिजली महंगी गारंटी है इनकी। डीएसपी का एक नया युग का अंत हुआ है, नया युग शुरू हुआ है, ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी ऐसे में क्या कांग्रेस और बीएसपी के साथ गठबंधन करके 2024 का चुनाव लड़ेगी, कोई नई रणनीति होगी? आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया है तो नए नेतृत्व के साथ हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पा रही है और काफी समय हो गए चुनाव को। देखिए, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, जब उन्हें बहुमत मिल गया है और जनता ने उन्हें मौका दे दिया तो आज नहीं कल मुख्यमंत्री उनका बनी जाएगा, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। सवाल बड़ा ये है कि आप जो बेरोजगारी की गारंटी दे रहे हो, महंगाई की गारंटी दे रहे हो, ये जो चरम सीमा पर अन्याय है, जिस तरीके से अन्याय हो रहा है सरकार में, कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसी गरीब की कहीं सुनवाई नहीं है, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल सकता, ये गारंटी बीजेपी की है। किसी भी जिला अस्पताल में चले जाओ आप, पहले तो स्ट्रेचर नहीं है, अगर आप अस्पताल में जैसे तैसे पहुंच गए तो डॉक्टर नहीं मिलेगा। फौजी भूमराज सिंह यादव जी की प्रतिमा का अनावरण करने का कार्यक्रम था। यहाँ के ग्रामीण के सभी लोग, खासकर परिवार के लोगों की इच्छा थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आए और उनकी प्रतिमा का अनावरण हो। मुझे खुशी है, मैं परिवार के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे मौका मिला है। मैनपुरी लोकसभा और यहाँ की जनता समाजवादियों के साथ हमेशा रही है, उस समाजवादी पार्टी के प्रति विशेष लगाव यहाँ की जनता का हमेशा रहा है, और जब कभी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई या समाजवादियों को काम करने का मौका मिला है, यहाँ की जनता का सम्मान हमेशा समाजवादियों ने किया है। ये समाजवादी पार्टी का मैनपुरी की जनता और यहाँ आसपास की जनता से बेहद लगाव है, और 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, आसपास की जितनी भी सीटें हैं वो सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो भी आने वाले समय में रणनीति बनेगी, गठबंधन बनेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। जनता दुखी है, परेशान है, और जनता निराश हुई है इनकी सरकार से। इन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा 10 साल का, और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 7 साल का। बीजेपी को हिसाब देना है 17 सालों के कामकाज का। बीजेपी पे एक ही गारंटी है, दिल्ली और लखनऊ वालों पर, इनके पास गारंटी अन्याय की है। इनकी सरकार बनेगी तो अन्याय की गारंटी है, ऑपरेशन की जरूरत है ऑपरेशन नहीं होगा, तो ये गारंटी बीजेपी की है कि आप सरकारी अस्पताल में आओगे तो आपको इलाज न मिले, इसकी गारंटी है। अखिलेश के गढ़ में अभी कुछ दिन पहले राजभर आए थे दयाशंकर के साथ, घेरने की कोशिश की। भैया वो ये भी बोले थे कि वो रात को जाकर के गुलदस्ता दे आते हैं और दिन में विरोध करते हैं। देखिए, ये बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी हमेशा खाली स्थान वो रिक्त स्थान भरो, आपने कहा था रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक, ये बीजेपी की रणनीति है। जैसे आपके चैनल में एड आता है बीच में, तो ये बीजेपी के लिए एड का काम करते हैं ये लोग। तो एड वाले नेता हैं ये? नहीं, एड वाले नहीं, रिक्त स्थान भरो करने वाले, कि भाई कोई मुद्दा उठाना है, सपा के खिलाफ बुलवाना है, तो इनके पास एजेंट हैं,
अब और शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि वो शब्द गलत है, हो सकता है किसी को बुरा लगे, अपमानित महसूस करें, इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स है। सवाल वो नहीं है, सवाल है मुख्यमंत्री जी का जो 46.56 बताते हैं, $1 trillion की इकोनॉमी कैसे होगी, आपके छुट्टे जानवर घूम रहे हैं, गौशालाओं में गायों की जान जा रही है। हमने कहा कि अगर आप गौ सेवा आपके दिलो दिमाग में है, अगर आप सेवा भावना है, तो बिना बजट बढ़ाए गौशाला कैसे चलेंगी? आप गौशाला का बजट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? और फिर मैनपुरी जैसा जिला मंत्री दे दिए हो आप, ये बताएं टूरिज्म के लिए कौन सी बड़ी चीज आ गई है? छत्तीसगढ़ों में आरोप लगे तो बीजेपी 10 साल की सरकार के बाद भी इनकी सरकार में जो पॉलिसी बनी है वो ऐसी पॉलिसी बनी है जिससे काला धन ज्यादा पैदा करें लोग। ये बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी जो पॉलिसी बन रही है वो ऐसी पॉलिसी बन रही है, ऐसे अधिकारी तैनात हो रहे हैं जो लोगों को खुली छूट दे रहे हैं कि काला धन बनाओ, काला धन पैदा करो। क्या आपके जिले में जमीन का कारोबार बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं? क्या आपके जिले में कोई भी जमीन बिना काले धन के खरीदी जाती है? क्या बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा जमीन मैनपुरी में खरीद रहे हैं और काला धन दे के खरीद रहे हैं? और केवल मैनपुरी नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी जिले को निकलवा लो आप, सबसे बड़े भूमाफिया बीजेपी के लोग। अध्यक्ष जी, 5 राज्यों के चुनाव हुए, फ्रीबीज रोकने की बात करते हैं, लेकिन ठाके देखिए आंकड़ा कि ये 2024 में जो देश पे जो कर्ज है उन्हें 2 लाख करोड़, यानी कि बच्चा जन्म लेगा उस पे भी 1 लाख रुपया कर्ज। ये बीजेपी की गारंटी है कि जैसे ही बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा होगी, उसके सर पे लाखों का कर्ज होगा। ये बीजेपी की गारंटी है। 2024 में गठबंधन का क्या सुन, ये कौन से लोग हैं जो इंडिया से नहीं घबरा रहे हैं? इंडिया से सब घर भराएंगे। क्या आकाश आनंद के चार्ज लेने के बाद बीएसपी भी इस गठबंधन में शामिल होगी? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कौन किसके साथ आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो पहले से गठबंधन था, जो हमारे साथ पहले से दल थे, उनको साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन अजय राय कहते हैं कि हम मैनपुरी और इटावा में हटो, इसी व्यवस्था करते हैं कि लोग काला धन कमाएं और उसी का परिणाम है कि काला धन निकल रहा है। और ये भी बताना चाहिए कि जो रुपया उन्होंने छान दो भाई और जो रुपया उन्होंने बंद कर दिया 2000 का नोट, वो सबसे ज्यादा किन ब्रांचों में जमा हुआ है, किन बैंकों में जमा हुआ है? बीजेपी आंकड़ों को बताएगी कि किस बैंक में किसने सबसे ज्यादा पैसा 2000 रुपए की जमा कराए हैं? आपकी सवाल वो प्रतिशत जो वोट कांग्रेस को यूपी में मिला उसी ना हुए जब बंटवारा किया जाएगा या जिस तरीके से एमपी में चलेगी भीड़ उस समाज को नदारद के रूप में देखा गया। हर गठबंधन सम्मान से हो, जो आपने परसेंटेज बताई उस हिसाब से सम्मान दिया जाएगा, उससे ज्यादा सम्मान दिया। 2 बजट तो जो टूरिज्म के जो पहले से काम चल रहे थे वो भी अभी नहीं पूरे हुए हैं। एटा का ये जो बिजली का प्लांट लगा है, अगर ये चालू हो जाता तो आपको सस्ती बिजली मिलती, लेकिन एटा का प्लांट जानबूझ के नहीं चला रहे हैं क्योंकि बिजली बनने लगेगी। मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि मुख्यमंत्री जी उस कारखाने का नाम नहीं बोल पाते। अगर जी बायस, लेकिन टूरिज्म मंत्री कहते हैं कि उन्होंने आपके विधानसभा क्षेत्र में काम कराया, जैसे विधुना मारकंडे आश्रम, उसमें उन्होंने 4-5 करोड़ क्या बोल रही है वो दिए, ये क्या बोलते हैं? उनसे कहिए हम ये चाहते हैं जैसे दुनिया में ताजमहल जाना जाता है, तो मैनपुरी में कुछ ऐसा काम करो जो मैनपुरी याद करे कि आप टूरिज्म मिनिस्टर बने थे, कि मैनपुरी को इतना बड़ा आपने काम कर दिया। आप पीछे क्यों हट रहे हो? जाइए मुख्यमंत्री जी से बजट लीजिए जाकर के। आप $1 trillion की सपना दिखा रहे हैं, क्या आप 500 करोड़ का काम नहीं कर सकते मैनपुरी में? भाई चौराहों को सजाना, जनता को धोखा देना, आप बिजली सस्ती कर नहीं पा रहे, आप नौकरी दे नहीं पा रहे, आप इलाज नहीं दे पा रहे हैं, तो आखिरकार कब करेंगे आप ये काम? उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से पूछा गया था क्या इस बार 2024 में राम मंदिर का मुद्दा रहेगा, तो जयवीर सिंह ने वो स्वीकार किया था कि निश्चित तौर से भाजपा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। ऐसे कैसे देखते हैं आप? भगवान श्री राम सबके हैं, भगवान सबके हैं। मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व स्वरूप दिखाया तो क्या था उसमें?
तो भगवान सबके हैं, भगवान एक दल एक व्यक्ति के नहीं है, भगवान हमारे आपके भी है। अजय जी 22 जनवरी को क्या अयोध्या आप जाएंगे रामलला की? हमारे लिए 26 जनवरी महत्वपूर्ण है, गणतंत्र दिवस, और हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, डॉक्टर रामलाल लोहिया ने जो सोशलिज्म का सिद्धांत दिया, नेताजी ने दोनों को सिद्धांतों को लेकर के जो हमें रास्ता दिखाया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या जो नौकरी मिलनी थी संविधान के तहत मिल पा रही है नौकरी है? हमें किसी से कोई वो नहीं, अपना